आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अपराधियों के लिए बुलडोजर बाबा, बच्चों से मिलने पर बन जाते हैं टॉफी और चॉकलेट वाले बाबा। निर्माण कार्यों के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उमड़ा बाल प्रेम, मिले बच्चों से प्यार दुलार कर खूब पढ़ने को किया प्रेरित। उपहार स्वरूप सीएम योगी ने बच्चों को भेंट की टॉफी व चॉकलेट। यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिग्विजयनाथ पार्क में होने वाले लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ स्थगित। एक दिन का राजकीय शोक हुआ घोषित। अब रविवार को सुबह 11 बजे होगा लोकार्पण का कार्यक्रम, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। दीवानी परिसर में स्थित 24 कक्षीय न्यायालय भवन का इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एवं गोरखपुर के प्रशासनिक जज सिद्धार्थ वर्मा ने विधिवत पूजन कर एवं फीता काट कर किया लोकार्पण। कहा, न्यायालय के कार्यों में गति प्रदान करेगी न्यायालय की ये बिल्डिंग। गोरखनाथ मंदिर से स्पोर्ट्स कॉलेज तक बन रहे फोर लेन का सीएम योगी ने किया निरीक्षण। कहा, समयबद्ध ढंग से पूर्ण हो फोर लेन व नाला निर्माण कार्य। फोर लेन निर्माण के साथ ही अंडरग्राउंड हो विद्युत केबल। निर्माण कार्य के दौरान ही सुनिश्चित करें जल निकासी की व्यवस्था। भूमाफिया ओम प्रकाश पांडे व उसकी पत्नी के मकान को गैंगस्टर एक्ट में जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार सदर वीरेंद्र गुप्ता की उपस्थिति में कैंट पुलिस ने किया कुर्क। की जा रही आगे की विधिक कार्रवाई। देवरिया बाईपास स्थित निर्माणाधीन नाले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया निरीक्षण। कहा, जल भराव से है निजात प्राथमिकता, सुनिश्चित हो नाला सफाई। ना चलेगा कोई बहाना, ना ही क्षम्य होगी किसी प्रकार की लापरवाही। बरसात से पहले नाला निर्माण के कार्यों को पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने कहा, राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल आए 2,64,116 मामले, 2,25,190 मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया गया निस्तारण। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, थाना समाधान दिवस में आए कुल 18 मामले, मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतर्गत पारिवारिक न्यायालय में 12 जोड़ों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर मुख्य न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय के समक्ष एक दूसरे से माला पहनवाकर किया विदाई। जोड़ों ने पारिवारिक न्यायालय को दिया धन्यवाद। सीएम योगी ने दिवंगत वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुरेश शुक्ला एवं पूर्व आयकर आयुक्त की माता पुष्पा श्रीवास्तव के आवास पर पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें दी श्रद्धांजलि। उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में बधाया ढांढस। गोरखपुर विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय संगोष्ठी व उर्दू भाषा एवं साहित्य तथा भारतीय भाषाएं पुस्तक विमोचन समारोह का किया गया आयोजन। डॉक्टर अजीज अहमद की लिखी पुस्तक मुझे सब है याद जरा जरा का हुआ विमोचन। और पूजन और गीता पाठ कीर्तन के साथ गीता प्रेस की स्थापना के शताब्दी वर्ष समारोह का हुआ शुभारंभ। कहा, घर घर में पहुंचे गीता, यही गीता प्रेस के ट्रस्टियों का है संकल्प।